यहाँ पर हम ट्विटर पे लॉगिन करने का एक बॉट बनाएंगे जिसका काम ये रहेगा कि वो ट्विटर पे ऑटोमेटिकली हमें लॉगिन करके दे देगा, हमें मैन्युअली हमें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हम पहले एक बॉट बनाते हैं ट्विटर लॉगिन बॉट। ट्विटर लॉगिन बॉट नेम से हमने एक बॉट बना लिया है। उसके बाद हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लॉगिन वाले यूआरएल का अपने इवेंट में ऐड करवाएंगे। तो ये देखिए हमारे इवेंट में ऐड हो गया है, बॉट ने इसे इस वाले इवेंट को अपने उसमें ऐड कर लिया है रिकॉर्ड में। तो ये देखिए इट विल ओपन HTTPS, मतलब जो भी इसका यूआरएल होगा लॉगिन का, लॉगिन पेज का, वो इसने रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम उसके बाद हम अपना फिर हम इस वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे जहाँ पर अपना फुल मेल और यूज़र नेम अपना हम पास करेंगे। तो लेट सपोज हमने ABC पास किया और फिर उसके बाद हम ये टाइप करने के बाद उसके बाद हम अपना पासवर्ड वाले बॉक्स में हम क्लिक करेंगे और सपोज करो इसका पासवर्ड है 123। उसके बाद हम एंटर दबाएंगे या तो हम साइन इन वाले ये लॉग इन वाले बटन पे हम क्लिक कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ एंटर प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए साइन इन कर रहा है बट ये साइन इन नहीं होगा क्योंकि एक्चुअली ये ईमेल आईडी और पासवर्ड रॉन्ग है। मैं आपको इवेंट दिखाता हूँ। सबसे पहले इसने यूआरएल खोला था, उसके बाद इसने मतलब क्लिक किया था ईमेल बॉक्स में जहाँ पर ये मतलब अब जहाँ जहाँ पर ही टाइप करेगा ईमेल और ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह यूज़र नेम। ये देखो की प्रेस इवेंट्स हो रहा है, इट विल टाइप ABC और फिर यहाँ पर ये पासवर्ड वाले मतलब जहाँ से हम पासवर्ड पास करेंगे वहाँ पर क्लिक करेगा। उसके बाद ये इट विल पासवर्ड मतलब टाइप करेगा। उसके बाद ये की प्रेस मतलब पासवर्ड टाइप करेगा। उसके बाद ये प्रेस एंटर प्रेस कर देगा ताकि हमारा साइन इन हो सके या तो लॉगिन पे हम क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हम ट्रेनिंग स्टॉप कर रहे हैं और रन टाइम पे हम चेक करेंगे। तो ये तो हमारा मतलब कि ट्विटर पे लॉगिन वाला ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों रहोंगे तो ये खोल नहीं पाएगा। बट आप अगर अपना रियल ईमेल आईडी और पासवर्ड पास करेंगे तो ये लॉगिन कर देगा। तो लेट्स सपोज हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए इसने ABC पास किया और ये पासवर्ड पास किया और ये लॉगिन कर दिया बट ये रॉन्ग है, इसलिए ये यहाँ पर ये शो हो रहा है वार्निंग देयर वाज अनयूजुअल लॉगिन एक्टिविटी इन योर अकाउंट।